विधायक राकेश गिरी का बयान, कहा जिस तरह अपने घर में सुरक्षित करती हैं उस तरह यहां सुरक्षित महसूस करेंगी छात्राएं। टीकमगढ़ में गुरुवार के दिन नजरबाग प्रांगण में भूमि पूजन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरड़ हायर सेकेंडरी नजरबाग की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राकेश गिरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक राकेश गिरी ने कन्याओं का पूजन कर शुरुआत की। इसके बाद कार्यक्रम में आए लोगों ने विधायक राकेश गिरी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान विधायक राकेश गिरी ने कहा, आज मेरे द्वारा गरड़ हाई सेकेंडरी नजरबाग की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कन्याओं के द्वारा किया गया, जिसका कार्य 1 करोड़ की लागत राशि से किया जाएगा। विधायक राकेश गिरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नजरबाग में स्कूल खेल के अलावा अन्य किसी खेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा एवं असामाजिक तत्व परिसर में नहीं घूम सकते। विधायक राकेश गिरी ने कहा कि कन्या स्कूल का जीर्णोद्धार एवं पेवर्स और परिसर में चारों ओर गेट लगाने की घोषणा भी विधायक राकेश गिरी के द्वारा की गई। विधायक राकेश गिरी ने कहा कि जिस तरह बच्चे अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं उस तरह नजरबाग स्कूल में भी सुरक्षित महसूस करेंगे। इस मौके पर विकास यादव, गोपाल राय, देवेंद्र सेन, निखिल शर्मा, संगम करोसिया, यश नायक, ज्ञानेंद्र सिंह मुख्तार अहमद, अंश मिश्रा, आनंद कुशवाहा सहित गरड़ हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे एवं शिक्षक मौजूद रहे। नजरबाग कन्या स्कूल के भवन का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत राशि लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसका आज विधिवत भूमि पूजन हुआ और कल से इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 6 माह के अंदर भवन बना के स्कूल प्रबंधन को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ जो बच्चियाँ पॉलिटेक्निक पढ़ रही हैं वहीं पढ़ेंगी। इसके अलावा पुराना जो गर्ल्स स्कूल का भवन है जो जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो गया है, और जो नजरबाग परिसर है जहाँ सामाजिक तत्व वहाँ हमेशा जमावड़ा रहता है, इस परिसर को संरक्षित करने के लिए और प्रतिबंधित भी कराएंगे। यहाँ जो खेल होती है सामाजिक तत्व आते हैं उनके आने पर भी रोक लगाएंगे इसमें, और जो भवन है इसको भी लगभग 1 करोड़ की लागत से पूरे नगर पालिका परिसर नजरबाग परिसर में पेपर्स बिछाए जाएंगे और इस भवन का जीर्णोद्धार करके पुनः इसी स्कूल में बच्ची पढ़ेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद।